हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल नॉलेज बाय रूहल पे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली कि हम लोगों ने मिलके इस चैनल के 100 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी ये इस चैनल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तो हम लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे की सपोर्टिंग दिस चैनल। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। ये चैनल आपके साथ ही चलता रहेगा, आप लोगों के प्यार के साथ चलता रहेगा। और जो भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी आपकी कोई क्वेरी होंगी, कोई क्वेश्चन होंगे, तो मैं उनका जितना जल्दी हो सके मैं उनका आंसर आपको दूंगा। तो जुड़े रहिए इस लीगल नॉलेज बाय रूरल फैमिली से। तो दोस्तों चलिए आज एक अपना नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक है कि चोरी थेफ्ट क्या है और उसकी क्या सज़ा है और कैसे चोरी होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि चोरी जो है वो इंडियन पिनल कोड 8060 में 378 सेक्शन में डिफाइन की गई है। 378 सेक्शन में चोरी डिफाइन की गई है और 379 इंडियन पिनल कोड में उसको सज़ा का प्रोविज़न दिया गया है। 379 उसकी सज़ा के बारे में बताता है। तो दोस्तों चलिए हम 378 आज चोरी के पूरे कंसेप्ट और थेफ्ट के पूरे कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि थेफ्ट कैसे होती है। अगर कोई भी पर्सन किसी की प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को उस पर्सन की कंसेंट के बिना उसके पोजेशन से अपने पोजेशन में लेता है या उसके पोजेशन से दूर करता है तो इसको चोरी कहा जाता है। ये पोजेशन जो उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी पर होता है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये उस पर इम्प्लाइडली भी हो सकता है और एक्सप्रेसली भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन उसकी प्रॉपर्टी को जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पोजेशन से विदाउट उसकी कंसेंट के बेईमानी की नीयत से डिसऑनेस्टली इंटेंशन से अगर उसके पोजेशन से उस प्रॉपर्टी को एक पर्सन उसको दूर करता है, चाहे वो टेम्परेरी तौर पे हो या परमानेंट तौर पे, तो उसको थेफ्ट माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बता देता हूँ कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे एसी हो गया या फिर फैन हो गया या फिर और कोई चीज़ होती है जो इमूवेबल होती हैं उस टाइम पे जब वो लगी होती हैं अर्थ के साथ। तो दोस्तों मूवमेंट जब उनको वहाँ से अलग कर दिया जाता है तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अगर कोई भी पर्सन एसी को खोल के उतार लेता है या फिर फैन को खोल के उतार लेता है या फिर किसी ट्री को काट लेता है या फिर किसी की फसल को काट लेता है, तो मूवमेंट जब भी उसको अलग किया जाता है उस अर्थ से तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उसका भी थेफ्ट हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि थेफ्ट हमेशा रात में ही नहीं होती, चोरी हमेशा रात में नहीं होती। ये कई लोगों को वहम होता है और वहम की पता है आपको कोई दवाई नहीं होती। तो दोस्तों चोरी कभी भी ये नहीं है कि नाइट में ही होती है, चोरी दिन में भी हो सकती है। अगर आपके सामने से कोई आपकी चीज़ उठा के ले जाता है तो वो भी एक चोरी है, थेफ्ट माना जाता है। ये नहीं कि आपकी नज़र ना हो जिस चीज़ पर या आपकी अब्सेंट में ही चोरी होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों चोरी अगर आप वहाँ पे हो, आपके सामने भी कोई आपकी घड़ी मोबाइल उठा के ले जाता है तो उसको भी चोरी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक नई चोरी के बारे में बता देता हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है कि चोर क्या करते हैं कि किसी का कोई कुत्ता चुरा लेता है, किसी का कोई एनिमल चुरा लेता है, तो दोस्तों उसको भी चोरी में इंक्लूड किया जाता है। ये चोरी किस तरीके से हो सकती है, मान लीजिए आपका अगर कोई डॉग है या कोई एनिमल है आपका जो कि आपके घर के बाहर या कहीं और घूम रहा है, जो कि आपकी इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली आपकी अथॉरिटी में है, आपकी पोजेशन में है, तो फिर उसको कोई भी पर्सन अगर बिस्किट दिखा के या फिर और कोई चीज़ दिखा के उसको लुभाता है, ललचाता है और वो एनिमल आपके पोजेशन से उसके पास चला जाता है, उस पर्सन के पास जो कि उसको ललचाता है, तो ये भी एक चोरी की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो एनिमल है वो अपने आप उसके पास गया है, लेकिन जो एक्ट किया गया है उस पर्सन के द्वारा जिसने उसको ललचाया है वो एक्ट उसका इस चोरी की डेफिनेशन में आता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक और नई चीज़ बता देता हूँ कि क्या आप अपनी ही चीज़ की चोरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सुन के थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन हाँ आप अपनी भी चीज़ की चोरी कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप अपना लैपटॉप, मोबाइल या घड़ी किसी रिपेयर को दे के आते हैं और वो इस चीज़ को रिपेयर करता है और आप अब उसके रिपेयर के पैसे दिए बिना वहाँ से उसकी दुकान से वो चीज़ उठा लेते हो, तो देखिए ये चीज़ तो आपकी है लेकिन आप इसको
उठा नहीं सकते जब तक आप उसका रिपेयर के चार्जेस ना दे दें। तो दोस्तों और एक दूसरा एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने अपना लैपटॉप या मोबाइल, घड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपने किसी और को दी है, उसके पास गिरवी रख दिया है, उसके बदले आपने पैसे लिए उससे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, अगर आपने उससे ये पैसे अमाउंट लिया है 10-20,000 रुपये जो भी आपने अमाउंट लिया है, अगर आप अब उसके पैसे लौटाए बिना उस चीज़ को जो कि आपकी है उसको उठा लेते हैं तो भी ये चोरी की डेफिनेशन में आ सकती है। तो दोस्तों ये है कि चोरी आप अपनी चीज़ की भी कर सकते हैं, ये नहीं है दोस्तों कि चोरी हमेशा दूसरों की चीज़ की होती है, अपनी चीज़ की भी चोरी हो सकती है उसी पर्सन द्वारा जिस पर्सन की वो चीज़ है। तो चलिए दोस्तों मैं एक और कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप किसी की कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो या और कोई वैल्यूएबल चीज़ है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको उठा लेते हो, और अगर आप अब ये कहते हो कि मैं इस चीज़ को जो कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है मैं आपको तब लौटाऊंगा जब आप मुझे कोई रिवार्ड दे, रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, 500 रुपये हो सकते हैं, 1,000 रुपये हो सकते हैं या और भी कोई चीज़। तो दोस्तों अगर कोई पर्सन कोई चीज़ उठा के रिवार्ड मांगता किसी से कि मैं आपकी ये प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको तब लौटाऊंगा जब आप मेरे को रिवार्ड दें, 500 या 1,000 रुपये दें, तो ये भी चोरी की डेफिनेशन में ही आता है। तो दोस्तों चलिए मैं एक और कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए किसी की वाइफ अपने लवर को, हस्बैंड को छोड़ के अपने लवर को कोई भी आर्टिकल्स अपने हस्बैंड के गिफ्ट करती है, और उस लवर को ये पता कि इसके हस्बैंड ने इसको अलाउ नहीं किया होगा ये गिफ्ट आर्टिकल जो भी है इसको गिफ्ट करने के लिए, और वो लवर उसकी वाइफ से वो गिफ्ट ले लेता है, तो ये भी दोस्तों थेफ्ट की डेफिनेशन में आता है और इसको भी थेफ्ट माना जाता है। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप बाय मिस्टेक किसी की चीज़ उठा लेते हैं तो वो थेफ्ट या चोरी की डेफिनेशन में नहीं आता। मान लीजिए अगर बारिश का मौसम है, आप कहीं पे अपना छाता रख देते हैं और वहीं पे किसी और का छाता है, तो अगर आप गलती से किसी का छाता उठा लेते हो अपने छाते की जगह, तो ये चोरी की डेफिनेशन में नहीं आता। या फिर आपके किसी फ्रेंड की कोई चीज़ है, वो फ्रेंड आपको कहता है कि मेरी वो चीज़ उठा ला, और आप उस चीज़ को उठा लाते हो लेकिन पहले से ही कोई और उस चीज़ को उठा के ले गया और दूसरी कोई चीज़ रख के चला गया, और आप उस चीज़ को उठा के अपने दोस्त को दे देते हो जो कि किसी और की है, तो दोस्तों ये बाय मिस्टेक है, ये चोरी या थेफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आता क्योंकि आपकी इंटेंशन कोई चोरी करने की नहीं है। तो चलिए दोस्तों आप पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें सजा या प्रसाद कितना मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी 3-4 कैटेगरी होती हैं। देखिए 378 इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में जो है डेफिनेशन दी गई है थेफ्ट की, कि थेफ्ट क्या है और थेफ्ट कैसे होता है, चोरी कैसे होती है। 379 ये बताता है कि थेफ्ट की कितनी पनिशमेंट है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको कि जो 379 है वो ओपन प्लेस में थेफ्ट की पनिशमेंट बताता है, कि अगर खुले प्लेस में कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई हाउस नहीं है, तो उसमें अगर थेफ्ट होती है तो उसकी पनिशमेंट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको उसकी पनिशमेंट बता देता हूँ, अगर ओपन प्लेस में थेफ्ट होता है तो उसकी पनिशमेंट है जो कि 3 साल तक हो सकती है, और ये एक सीरियस ऑफेंस है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल देना कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, इसमें बेल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, और ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल है। तो दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बताता हूँ जो कि है 380 दोस्तों ये चोरी के बारे में डिस्कस करता है, थेफ्ट चोरी जो कि है ड्वेलिंग हाउस में। ड्वेलिंग हाउस मतलब या कोई बिल्डिंग है या कोई टेंट है, वेसल है, कोई भी घर है, अगर घर में चोरी होती है तो दोस्तों उसकी क्या पनिशमेंट है, मैं आपको उसकी पनिशमेंट भी बता देता हूँ। तो दोस्तों उसकी पनिशमेंट है जो कि 7 साल तक हो सकती है, और ये भी एक सीरियस ऑफेंस है और नॉन अवेलेबल है, इसमें कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी, और ये भी ट्राइबल है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। तो चलिए दोस्तों मैं अगले सेक्शन के बारे में बता देता हूँ जो कि 381 है, कि अगर कोई सर्वेंट या फिर आपका क्लर्क चोरी करता है तो उसकी क्या सजा है और उसका क्या प्रसाद मिलता है उस क्लर्क या सर्वेंट को जो कि थेफ्ट करता है या चोरी करता है। तो दोस्तों अगर कोई भी थेफ्ट या चोरी आपके सर्वेंट या क्लर्क के द्वारा की जाती है तो उसकी सजा भी वही सेम है जो कि एक ड्वेलिंग हाउस में पनिशमेंट है, वही उसको प्रसाद मिलता है जो कि 7 साल तक की सजा हो सकती है, और ये एक सीरियस ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ही ट्राइबल है। अब दोस्तों मैं एक सीरियस थेफ्ट चोरी के बारे में बताता हूँ। अब मैं दोस्तों अगले सेक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि है 382, जो कि ये बताता है अगर कोई भी पर्सन कोई भी हथियार लेके
चोरी करने के लिए जाता है, कोई चाकू लेकर जाता है, कोई तलवार लेकर जाता है, या फिर कोई पिस्टल या बंदूक लेके जाता है चोरी करने के लिए, जिससे वहाँ पे उस पर्सन को जो कि उस चीज़ का मालिक है, या फिर घर में जा रहा है, या फिर बिल्डिंग में जा रहा है, या फिर कहीं वेसल में जा रहा है, और वहाँ पे वो कोई भी हथियार लेके जाता है जो कि हर्ट कर सकता है उस पर्सन को जो कि उस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा हथियार जिससे डेथ हो सकती है, हर्ट हो सकती है, या फिर उसको रोका जा सकता है या बांधा जा सकता है उस पर्सन को जिसकी वो प्रॉपर्टी है, तो अगर वो कोई भी पर्सन ऐसा हथियार लेके वहाँ पे चोरी करने के लिए जाता है, तो दोस्तों ये एक सीरियस ऑफेंस है। और इसमें सज़ा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे प्रसाद क्या मिलता है उस पर्सन को जो ये हथियार लेके उस प्रॉपर्टी में घुसता है चोरी करने के लिए। तो पर दोस्तों, इस सेक्शन की जो पनिशमेंट है वो सिंपल ना होके रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। तो अगर कोई ऐसे चोरी करता है कोई भी पर्सन, तो उस पर वहाँ पे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है जो कि रिग्रेस है। रिग्रेस क्या होती है? रिग्रेस पनिशमेंट ये होती है कि वहाँ पे उस पर्सन पे काम करवाया जाएगा, वहाँ पे उस पर मूली गोभी खेत में जो भी लगवाना होगा उससे काम कराया जाएगा, ये एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट माना जाता है। और दोस्तों, ये भी ट्राइबल है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा सीरियस ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो दोस्तों, इसमें भी प्रेरोगेटिव है कोर्ट का, इसमें बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्या चोरी है, क्या चोरी का कंसेप्ट हो सकता है, और क्या क्या चोरी किस किस तरीके से हो सकती है, और क्या चोरी का प्रसाद मिलता है, क्या चोरी की पनिशमेंट मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी चोरी के सारे कंसेप्ट थे वो हमने देख लिए कि क्या क्या चोरी के कंसेप्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितना जल्दी उसके मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर दोस्तों अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, लड़की तो होती है एक, लेकिन उसके लवर होते हैं दो। और लवर कौन कौन होते हैं उसके? एक होता है एडवोकेट और एक होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर उस लड़की को हमेशा फूल देता था या कोई और गिफ्ट देता था, वाज देता था, उसको अलग अलग गिफ्ट डॉक्टर डेली देता था। लेकिन एडवोकेट क्या करता था? उसको डेली एक एप्पल देता था। तो दोस्तों, किसी पर्सन ने उस एडवोकेट से पूछा कि डॉक्टर साहब, तो उसको देखो, डेली फूल भी दे रहे हैं, कोई अलग अलग गिफ्ट भी दे रहे हैं, और आप उस लड़की को एक एप्पल देते हो, तो इसका क्या रीज़न है? तो उस एडवोकेट ने क्या जवाब दिया? तो उस आंसर को सुन के वो पर्सन भी हैरान रह गया। तो एडवोकेट कहता कि एन एप्पल इन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसलिए मैं उस लड़की को एप्पल देता हूँ कि आपने शायद नहीं सुना है कि एन एप्पल इन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो दोस्तों, फाइनली वो लड़की घूम के उस एडवोकेट के पास ही आ गई। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है क्या? तो आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या ऐसा है या नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।